हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो है कुछ उन स्टूडेंट के लिए जो कि काफ़ी परेशान हैं। और सब कौन सा स्टूडेंट परेशान है कि दिन निकलता जा रहा है लेकिन हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, कर कुछ नहीं रहे फिर भी समय नहीं है, डेली का एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं हम। सुबह उठते हैं, उठ के मोबाइल फ़ोन चेक किया थोड़ा बहुत, मोबाइल फ़ोन चेक करने के बाद इधर उधर के एक्टिविटी में लगे, और एक्टिविटी वो भी बेफजूल की एक्टिविटी। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब भी नहीं कर रहे, कॉलेज भी नहीं जा रहे, वो सिर्फ इस सोच के बैठे हैं अभी तो हमारी एजुकेशन है जो कि हमारे माता पिता उसका खर्चा उठाएंगे। वो क्या कर रहे हैं कि भाई शाम हुआ, शाम को थोड़ा बहुत घूमा, कभी इधर का प्लान बन गया, कभी उधर का प्लान बन गया, और फिर रात में फोन में देखा। थोड़ा बहुत दिन में चिंता होती है यार, पेपर भी आने वाला है, लेकिन दोस्तों के साथ रहने में वो चीजें हम भूल जाते हैं कि सर पेपर भी आएगा, लेकिन जब अकेले होते हैं तो हमें याद आता है कि हमारे पेपर भी आने वाले हैं। चलो कल से करेंगे, चलो प्लान कर लेंगे, अभी है 2 महीने, अभी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास मात्र 40 दिन है, लगभग लगभग 40 डेज। अगर आप जीनियस हो, 7 सब्जेक्ट 40 डेज डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास लगभग लगभग 5 डेज, 5.5 दिन, 6 दिन मान लो, 6 दिन। अगर आप 6 दिन में जिस सब्जेक्ट को पहले कभी जाना नहीं, जिस सब्जेक्ट को कभी पहले सुना नहीं, उस सब्जेक्ट को आप 6 दिन में इतने जीनियस हो कि खत्म कर लोगे, तो आप सही चल रहे हो। अगर आप 6 दिन में एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा, एक सब्जेक्ट को खत्म करना इम्पॉसिबल बोलते हो, हमने 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में एक सब्जेक्ट को खत्म करने में साल भर लगा दिया, और उस साल में भी कुछ चैप्टर बच जाते थे, और अभी आप 6 दिन में सोच रहे हो कि एक चैप्टर हो जाएगा, तो दैट इज आपके लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। याद करना है, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ, सिर्फ याद करिए आप, थोड़ा पहले थोड़ा रिमाइंड बैक जाइए, दिसंबर जनवरी फरवरी में, उस टाइम पे आपका हाल अगर अभी नहीं जगे तो मई में सेम हाल होने वाला है। और बहुत अच्छी बात है कि सेमेस्टर रेगुलर कॉलेज और एनसी वेब का कुछ सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ सेमेस्टर के रिजल्ट तो आ भी चुके हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा बच्चों के माइंड में चल रहा है, इलेक्शंस के डेट्स हैं, एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमारे एग्जाम जो शेड्यूल्स हैं, वैसे भी वो फाइनल डेट सीट नहीं है, टेंटेटिव है, तो जो शेड्यूल है एक आध दिन आगे पीछे करके पहले भी होता था, तो नॉट पॉसिबल आपके के एग्जाम डेट कोई भी पोस्टपोन्ड हो। आप ये मत समझिएगा कि हमारे एग्जाम जुलाई एंड में होगा या अगस्त तक जाएगा, क्योंकि सारे सेमेस्टर को लेके चलना पड़ता है, इस बात का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। तो आपका एग्जाम सेम समय पे होने वाला है। अभी सीए वाले स्टूडेंट भी यही सोच रहे थे, यार पोस्टपोन्ड होगा पोस्टपोन्ड होगा, आप डेट शीट देखो, रिवाइज डेट शीट आ गई उनकी, कुछ चेंज, बोला नो चेंज, सिर्फ एक दो एग्जाम को 2 दिन या 1 दिन आगे पीछे किया है। तो आप ये सब मान के चलिए। तो सर हम कैसे करें, क्या पढ़े नहीं पढ़े? अब आपका मैं अगर बताऊं, आप पहले खुद को चेक करिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। साहब एक ऐसा बच्चा है हमारे पास जो बहुत होशियार समझदार, जिसका कोई संगति नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं रखता, यानी ये बच्चा है मान के चलो समझदार, वैसे तो समझदार सभी बच्चे हैं, समझदार इसको इसलिए बोल रहा हूं, इसने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमारे चैनल यूट्यूब पे स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, या फिर हमसे स्टार्टिंग से कोर्स लेके पढ़ रहा है, तो ये बच्चा समझदार, इसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं करना, ये सही चल रहा है। एक बच्चा, ऐसा बच्चा जो कि मान लो आप में से कोई होगा, समझ जाना किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, जिसने कि एग्जाम के बाद सोचा यार अभी एग्जाम दिया है, थोड़ा आराम आराम, और ये आराम पता ही नहीं चला कि 2 महीने निकल गए, इस आराम में पता ही नहीं चला 2 महीने निकल गए। वो चाहते तो हैं कि हम पढ़ें और वो चाहते तो हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन उनके आसपास बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हैं, और सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन कर नहीं पाते, उन बच्चों की बात करता हूं, उन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया है, वो तो अभी इसी कंफ्यूजन में है कि बुक्स लें या टेन्योर लें या पीडीएफ देखें, अरे सिलेबस क्या है ये चीज पता करें। दूसरा आप समझ लेना किस कैटेगरी में हो।
तीसरा बच्चा जिसे तो यार छोड़ हटा यार, जब होगा तब देख लेंगे, पहले भी दिया था। नो टेंशन नो टेंशन। तीन कैटेगरी हैं। इस कैटेगरी में बहुत कम बच्चे होते हैं। इस कैटेगरी, मैं पहले बोलना चाहूंगा, जो इस कैटेगरी में है उन बच्चे यूट्यूब पे हम क्लासेस डाल रहे हैं, और भाई सब्सक्राइब भी किया करो, आपके लिए अलग अलग टीचर्स लेके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आईबी की भी क्लासेस डाल रहे हैं, अब आपके ऑडिट की भी डल रही है, और भी सब्जेक्ट्स के डाल रहे हैं, बिजनेस लॉ के टीचर्स के भी ला रहे हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, मोटिव नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा। तो जो ये बच्चे हैं वो यूट्यूब से कर लेंगे, वो यूट्यूब से कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट 12th का बैकग्राउंड अच्छा होना जरूरी है, वो यूट्यूब से कर लेंगे। नो नीड टू बाई कोर्स। अगर लगता है कि सर डाउट वाउट थोड़े से लगते हैं, हम बाई कर लेते हैं, तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इस कैटेगरी वाले बच्चों को तो YouTube पे करना मतलब ना के बराबर है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों कह रहे हो सर नॉट पॉसिबल? क्योंकि आपको सिस्टमेटिक चीजें नहीं मिलेगी। आप जो चाह रहे हो, आप बहुत नंबर भी लाना चाह रहे हो, लेकिन वो नंबर आ भी नहीं पा रहे हैं, आप परेशान भी हो। आपको एक मेंटोरशिप चाहिए, और एक आपको सिस्टमेटिक चीजें चाहिए, तब जो आपने सोचा है, मन में जो सोचा हुआ है, उस लाइनअप पे जा पाओगे। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ले लो, मैं बोल रहा हूँ यू शुड आप क्लासेस ज्वाइन करो, मेरे पास मत करो ज्वाइन। जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पे गाइड करने आया हूँ, ना कि मैं आपको कोर्स बेचने आया हूँ, सिंपल सी बात है। तो जहां भी अच्छा लगे आप वहां पे अपनी क्लासेस ले सकते हो, जिस टीचर का आपको समझ में आता था, जहाँ 12th पढ़ते थे, 11th पढ़ते थे, जहां भी आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कुछ आपको बहुत बेस्ट दे रहा हूँ जो कि कोई टीचर नहीं दे रहा। हर टीचर अपने हिसाब से बहुत बेस्ट दे रहे हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तीसरे बच्चे तो भैया इनका तो मान के चलो, जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जॉब बता दूं, फील्ड वर्क में ही लगेगा जॉब, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लाइफ में नहीं होने वाला बदलाव। और वो अभी मेहनत नहीं कर रहे, उनको 30 साल के बाद, ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे इस बच्चे के अंडर नौकरी कर रहे होंगे 30 साल की उम्र के बाद, ये जो है ये इनके साथ कंधा मिला के चल रहे होंगे, इतना फर्क होगा। ये रियल लाइफ का बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने जो देखे हैं अपनी आंखों से उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का एक डिमांड भी था कि सर कुछ हमारे पास, जैसे कि दिक्कत ये आ रही थी, काफी बच्चों का कहना था कि सर आपके जैसे कि बैचेस हैं, एक पहले बैचेस चल रहा था 2.0, उस बैचेस सॉरी पहले बैच जो चल रहा था वो पुराना बैच हो गया सर, इसमें तो बहुत कोर्स आगे निकल गया, तो आप कुछ हमारे लिए न्यू लेके आइए। तो हमने क्या करा है, आप सभी के कोर्स के लिए, सभी, चाहे बच्चा बीकॉम प्रोग्राम का, ऑनर्स का हो, चाहे बच्चा 2 में हो, चाहे बच्चा 4 में हो, चाहे बच्चा 6 में हो, सभी के लिए न्यू बैचेस लेके आए हैं। सर न्यू बैचेस क्यों लेके आए हो? इसके अंदर क्या है, एक आपको सारे चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे मेरे पास। सिर्फ FOI और बिजनेस बी इंटरनेशनल बिजनेस का नहीं मिलेगा, सारे चैप्टर रिकॉर्डेड। क्योंकि अभी आपके छुट्टी कुछ पड़ जाएंगे, होली वगैरह में 4-5 दिन, तो चाहोगे तो आप बहुत सारा पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपको लाइव क्लास मिलेगा, और जो लाइव क्लास होगा उसका भी रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा विद PDF नोट्स, और प्लस आपका डाउट, डाउट के बाद प्लस आपको गाइडेंस, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम सिस्टमेटिक मिलेगा। लेकिन कंडीशन मेरी यही है, सबसे पहले आपको कोर्स तभी लेना, तभी फायदा होगा, आपको बुक खरीदना है, और अच्छे नंबर लाने का सोचा है तो लेना, अदरवाइज नहीं जरूरत भाई, आप फिर आप आराम करिए। और प्लस आपको 10 ईयर लेना होगा, बुक्स प्लस 10 ईयर। सारी क्लासेस हमारी लाइव चल रही हैं, सारी क्लासेस हमारे मान के चलिए ऑनगोइंग है। अभी कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं लगभग लगभग सभी बैचेस में, तो आप एनरोल हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों का कहना था सर नए बैच, तो मैं आपके लिए नया बैच जो लेके आया हूँ, इसका नाम रखा है 2.0, दैट इज हमारा सेकंड बैच आ गया है, जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लगता है कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपके एग्जाम पढ़ के अच्छे जा सकते हैं। वैसे FM का एग्जाम दिया है बच्चों ने, उनको बहुत अच्छा एग्जाम दिया है सेकेंड सेमेस्टर वाले, बोल दूँ कॉर्पोरेट वाले बच्चों का तो अब देखो भगवान, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई इनका पेपर आसान आ जाए थोड़ा सा, और सारा सिलेबस एकदम टाइम पे खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस खत्म करना ही एक अपने आप में बहुत 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 बड़ा चैलेंज है सेमेस्टर 2 वाले के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है। GST का भी सिलेबस बहुत बड़ा है सर, GST का, ऐसे नहीं है, कस्टम है, GST है, दो सब्जेक्ट है ये, तो ये जल्दी से नहीं हो पाएगा। बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जिसके सिलेबस बड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से देखिए। आपको जो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज देते हैं, हमारा एप्लीकेशन है दैट इज शिक्षा धाम,
और इसको आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं सर वेबसाइट पे। अभी होली का टाइम है तो होली के सीजन में हमने होली का ऑफर सोचा लेके आ जाए, और होली का ऑफर 475 का कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। बहुत बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि सर प्राइस सस्ता होगा, तो आप मान के चलिए इस सेमेस्टर में तो प्राइस कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं होने वाला है। कहीं आप सोचो सर हर बार होता था तो इस बार हो जाएगा, इस बार थोड़ी हमारी मजबूरी है, कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गए हैं, टीचर्स हमने नए एनरोल किए हैं, उनकी पेमेंट बहुत हायर हम दे रहे हैं ज्यादातर के, जो नॉर्मल टी क्योंकि टीचर तभी जुड़ेगा जब पेमेंट अच्छी मिलेगा, तो उसके हिसाब से सारी चीजें हैं। तो बैचेस के कॉस्ट मैंने बता दिए आपको, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है इससे कोई भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है सीधा जाके कॉन्टेक्ट करिए, और उनसे जो भी क्वेरी पूछना है कोर्स से रिलेटेड आप पूछिए, आपको लिंक देंगे, फटाफट आप बाय कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्टिव हो जाएगा, सारी चीजें इंस्टेंट चलेगी। तो बस आपको एक छोटी सी अवेयरनेस फैलानी थी कि भैया एग्जाम के बहुत कम समय बचे हैं, जाग जाइए, डेट शीट वगैरह कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा, एग्जाम समय टाइम पे होने वाला है, और जिनके रिजल्ट आ गए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए, कमेंट में लिखिएगा कि आपके एफएम में कितने मार्क्स आए, सेमेस्टर 3 रेगुलर वाले बच्चे, और कैसा एग्जाम गया था, टू बी कंटिन्यू कॉस्ट के अंदर और कॉर्पोरेट के अंदर। कॉर्पोरेट के अंदर आप बिलीव करेंगे जो बच्चे सेमेस्टर 2 वाले हैं, दिन में 2 क्लास ले रहा हूँ, 4-4 घंटे की भी क्लासेस हो जा रही हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी खत्म करें। बाकी इस बैच के अंदर हम थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जिन बच्चों को डिटेल पढ़ना है उनको हम अलग से वीडियो दे देंगे, ताकि थोड़ा आपके लिए ईजी एनवायरमेंट क्रिएट हो जाए। बस यही बोलना था, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको वैल्यू क्रिएट करता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।